हाय गाइज वेलकम बैक आज के इस वीडियो में हम एक पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे टू फाइंड सेकंड लार्जेस्ट नंबर इन अ लिस्ट चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो देर आर मल्टीपल वेज जिनका यूज करके आप प्रिंट कर सकते हैं सेकंड लार्जेस्ट नंबर इन अ गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फर्स्ट वे इज सॉर्टिंग द लिस्ट एंड देन प्रिंट सेकंड लार्ज नंबर इस लिस्ट को सॉर्ट करो बाय यूजिंग सॉर्ट मेथड असेंडिंग ऑर्डर में आपको सॉर्ट करना है एंड जो भी आपका लास्ट एलिमेंट होगा वो है लार्जेस्ट एलिमेंट एंड जो सेकंड लास्ट एलिमेंट होगा वो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा सो so, सॉर्ट करता हूँ नर्म्स डॉट सॉर्ट। बाय डिफॉल्ट सॉर्ट होता है असेंडिंग ऑर्डर में देन प्रिंट करता हूँ नर्म्स को टू चेक कि कैसे सॉर्ट हुआ है एंड देन लास्ट एलिमेंट मैं प्रिंट करूंगा सो नर्म्स ऑफ माइनस टू बाय यूजिंग निगेटिव इंडेक्सिंग सो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर इज नर्म्स ऑफ माइनस टू सेव करता हूं रन करता हूं सो रन करने के लिए पाए एग्जाम्पल डॉट पाए एंड यू कैन सी इस तरीके से सॉर्ट किया गया है लिस्ट को इन असेंडिंग ऑर्डर लास्ट में आपको सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट मिलेगा वेराज सेकंड लास्ट एलिमेंट आपका सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा सो द सेकंड लार्जेस्ट नंबर इज 84 फोर सेकेंड वे इज रिमूव लार्जेस्ट एलिमेंट एंड देन प्रिंट मैक्स सो लार्जेस्ट एलिमेंट है 90 इसे मैं रिमूव करूंगा रिमूव करने के बाद एटी फोर मेरा मैक्सिमम एलिमेंट रहेगा मैक्स फंक्शन के थ्रू एटी फोर को मैं प्रिंट करूंगा सबसे पहले मैक्स फाइंड करते हैं सो मैक्स ऑफ नम्स सो नम्स में जो मैक्सिमम एलिमेंट है विच इज 90 रिटर्न किया जाएगा उसे रिमूव करो सो नम्स डॉट रिमूव मेथड को मैं कॉल करता हूँ एंड रिमूव नाइन्टी इसे रिमूव किया जाएगा रिमूव करने के बाद आप चेक कर सकते कि नर्म्स कैसे दिखता है सो so क्लियर करके मैं रन करता हूँ यू कैन सी 90 अब इसमें नहीं है अब अगर आप मैक्स फंक्शन यूज करेंगे मैक्स ऑफ नम्स तब आपको 84 प्रिंट करके मिलेगा विच इज़ अवर सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट सो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इज 84। लेकिन ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है क्योंकि आप यहाँ पे लिस्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं एक एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं डेटा को डिलीट कर रहे हैं जो वे वन है वे टू है ये लिस्ट को मॉडिफाई कर रहे दैट्स वाई ये सही तरीका नहीं है टू फाइंड सेकंड लार्ज एलिमेंट सो द थर्ड वे इज मैनुअल मैनुअल वे वे में सबसे पहले हम लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करेंगे लार्जेस्ट एलिमेंट मिलने के बाद विच इज नथिंग बट नाइन्टी हियर देन हम फिर से लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करेंगे लेकिन इसमें कंडीशन होगी कि अब जो लार्जेस्ट एलिमेंट रहेगा इट शुड नॉट इक्वल टू दिस नाइंटी मीन्स पहले वाला जो लार्जेस्ट एलिमेंट था उससे इक्वल नहीं होना चाहिए एंड इस केस में हमें एटी फोर मिलेगा सो so, दो वेरिएबल्स में क्रिएट करता हूँ लार्जेस्ट इट इज इनिशियलाइज टू नर्म्स ऑफ जीरो सेवेंटी एट को मैं लार्जेस्ट बोलूंगा देन एक एक इलिमेंट को मैं विजिट करूंगा सो फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ नर्म्स सो आई में मुझे इंडेक्स मिलेगा चेक करूंगा इफ नर्म्स ऑफ आई इफ इट इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट मीन्स अब नया लार्जेस्ट मिलेगा लार्जेस्ट को रीअसाइन करो विद द न्यू लार्जेस्ट वैल्यू विच इज नर्म्स ऑफ आई एंड नाउ प्रिंट द लार्जेस्ट ये लॉजिक हमने ऑलरेडी सीखा है आई बटन में लिंक दे रहा हूं उस वीडियो की सो so रन करता हूं एंड यू विल गेट नाइनटी प्रिंटेड विच इज मैक्सिम और द लार्जेस्ट नंबर अब फिर से मैं लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करूंगा लेकिन एक कंडीशन ऐड करूंगा सो फॉर आय इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ नर्म्स एक वेरिएबल इनिशियलाइज करता हूं विच इज नथिंग बट सेकंड लार्जेस्ट एंड इनिशियलाइज विथ नर्म्स ऑफ जीरो सो सेवेंटी एट को मैं सेकंड लार्जेस्ट बोलूंगा यहां पे मैं कंडीशन दूंगा इफ नर्म्स ऑफ आई इज ग्रेटर देन सेकंड लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट मस्ट नॉट इक्वल टू द लार्जेस्ट सो नर्म्स ऑफ आय इज नॉट इक्वल टू लार्जेस्ट अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन सेकेंड लार्जेस्ट को अपडेट करो एंड असाइन इट नर्म्स ऑफ आई सो जब नाइन्टी फेज किया जाएगा सो so नाइंटी के लिए नर्म्स ऑफ आई इज ग्रेटर देन सेकंड लार्जेस्ट ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी बट ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी क्योंकि लार्जेस्ट में ऑलरेडी नाइन्टी है So, 90 असाइन नहीं होगा टू द सेकंड लार्जेस्ट इसमें वैल्यू रहेगी 84, फोर विच इज अवर सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू सो इसे मैं रन करता हूं प्रिंट करता हूं लार्जेस्ट एंड रन इट यू विल गेट 84 फोर प्रिंटेड आप लिस्ट में चेंजेस भी कर सकते हैं सो मैं एक और लिस्ट बनाता हूं विथ डिफरेंट वैल्यूज सो मैन्युअली कुछ भी वैल्यूज मैं दे रहा हूं अब चेक करते हैं न सी एटी सिक्स पॉइंट फोर येस दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट सो सिर्फ दो इटरेशन हमें यहाँ पे करने पड़े जो कि ज्यादा नहीं है आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा विल सी यू नेक्स्ट टाइम